नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं स्वाति। गुड़नगर परिषद चुनाव में प्रचार के दौरान वार्ड क्रमांक 7 में बीजेपी में वार्ड 15 से लड़ी प्रत्याशी एक वार्ड से 15 वार्ड तक की स्टार प्रचारक बीजेपी की तरफ से हैं, जो अपने वार्ड के साथ साथ 14 वार्ड तक की जिम्मेदारी ले रखी हैं। लेकिन वहीं पर वार्ड क्रमांक 7 में जो कि हरिजन सीट है, वहां पर जब एक पीड़ित व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाखुश दिखा और उसने अपनी समस्या बीजेपी के स्टार प्रचारक बनी अर्चना सिंह से बात रखी, तो किस तरह चिल्ला उठी और उसको बता रही है कि मैं अध्यक्ष थी क्या, जब ये अध्यक्ष नहीं है तो इतने उसमें पेश आ रही है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के वार्ड क्रमांक 15 से पार्षद और अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे अर्चना सिंह अध्यक्ष बन गई, उस दिन के बाद आप अपनी समस्या लेकर उनके पास मत जाइएगा, नहीं तो वार्ड क्रमांक 15 की प्रत्याशी और गुढ़ नगर परिषद से अध्यक्ष इसी तरह से आपके साथ व्यवहार किया जाएगा, जो कि अभी तक दिख रहा है। आपके सामने किस तरह पेश आ रही जो कि एक प्रत्याशी और वार्ड क्रमांक 7 की पूरी हरिजन बस्ती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरह बहु बेटियों और सबके मामा बने हैं और उनके कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी में पार्षद पद के प्रत्याशी अर्चना सिंह किस तरह मतदाताओं से पेश आ रही हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि ना पद ना प्रतिष्ठा, फिर भी इतनी बड़ी गुंडागर्दी, अभी तो बाद में किस तरह व्यवहार और गुण का कितना विकास होगा। ये अपने मतदाताओं से ऐसे वोट मांग रही है। अब जो अध्यक्ष पद की और पार्षद पद की दावेदारी कर रही है, वो अपने मतदाताओं से किस तरह अभी व्यवहार ऐसा है तो अध्यक्ष बनने के बाद कैसा व्यवहार होगा गुड़ की आम जनता के साथ डॉक्टर अर्चना सिंह। अब यह वीडियो जोरों से वायरल हो रहा है और ये वीडियो में वो मतदाताओं का नंबर ले रही हैं और अपना वोट बैंक बना रही हैं। अब गुड़ की जनता खुद ही समझदार है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अब इस तरह से आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो जिस दिन ये पद पर आ जाएंगे तो कितना विकास होगा और कितना गुड़ की जनता खुश होगी, यह तो आपका एक कीमती वोट ही बताएगा। और आपके साथ अभी ऐसा व्यवहार किया जा रहा है तो बाद में किस तरह किया जाएगा। एक आम आदमी ने अपनी समस्या की बात रखी और कहा कि मुझे आवास योजना का लाभ नहीं मिला, तो उसने अपनी बात भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक अर्चना सिंह से कही, तो अर्चना सिंह किस तरह भड़क गईं, जो कि कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि इनके मन में गुढ़ की जनता के प्रति कितना विकास करने की भावना है और कितना विकास करेंगी, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। जब इनका अभी से ऐसा व्यवहार है तो जीत जाने के बाद कैसा व्यवहार होगा उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। होता ना तो फिर अपनी बोलना, मोदी जी वहां से भेजते हैं, यहाँ तुमने भ्रष्टाचारी बिठा रखे हैं। मैं तो पहली बार चुनाव लड़ रही हूँ, पिछली बार लड़ी थी, जीती नहीं थी, जीतती तो सबके सब काम होते। फल खरीदने जाते हो, देख के बता देते हो कि मीठा है कि कड़ू है, ये चखने के बाद बताते हो। वोट दो चाहे मत दो, जीतूंगी मैं ही पहली बार, और उसके बाद तुम्हारा काम सबसे पहले होगा, इतना याद रखना। मोदी जी अब ये जो चुनाव हो रहा है ना, ये नगर पंचायत का हो रहा है, बड़ी मैडम जी आई नगर पंचायत का चुनाव इसलिए हो रहा है ताकि जो ऊपर से पैसा आता है उन लोगों तक पहुँचे। मैंने नहीं लौटाई, और सुन मेरी बात, हम लोग जो है ना आज से लोगों की सेवा नहीं कर रहे हैं। लॉकडाउन में कितने लोगों के घर सब्जी आई, डॉक्टर साहब मदद करते हैं कि नहीं करते, कभी नहीं दिखे, नहीं दिखे, हम कभी नहीं दिखे, ये आसपास वाले बता देंगे। तो वोट बिल्कुल मत देना, देना ही नहीं, इसका नाम लिखो, लिख लियो ना, तेरा काम सबसे पहले होगा, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएगा अगर तेरा काम हो गया तो। अगर तेरा काम हो गया, सुन मेरी बात, जवान जवान मत लड़ा, ये देख सामने कौन खड़ा है, क्या करूँ क्या करूँ, मैं मजदूर ना हूँ, मैं मजदूर नहीं, सुन मेरी बात, मेरी बात सुन, तू अपना नाम लिखवा, नंबर लिखवा, जीत तो मैं ही रही हूँ, सुन मेरी बात, नाम लिखवा, नंबर लिखवा, और उसके बाद संतोष साकेत का पिता का नाम दिन में ही पीना शुरू कर देते, और ये तमीज नहीं है तुम्हें, किससे कैसे बात करनी चाहिए, समझ गए, नंबर है, फोन नंबर, नंबर बताओ, वोट दो मत दो, तुम लोगों की आदत है वोट कचरे में डालने की, कोई बड़े मनाई को जीरो पे जाएगा, हाँ जीरो पे जाना, नंबर दे अपना,
मिला।